मैंने आपको बार बार गायब एक ही बात क्यों दोहराती हैं? जैसे आप मेरी माँ हैं, वैसे वो मेरी बहन, वो मेरे लिए बेहतर सोचती हैं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वो अपना खोटा मजबूत करना चाह रही है। खोटा? व्हाट? खोटा मतलब वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ट्रॉमे से गुजर रही है। खुद सोचे कि उन्होंने एक घर जो बनाया उसका कोई और हकदार पैदा हो गया एकदम से, तो वो सबके इंटरेस्ट में काम कर रही है, अपनी बेटी के लिए मारू की मैं शहर को खुद लेकर आई हूँ उसका। एंड जेनी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। आई मीन अगर आप ही नहीं भी कहती तो मैं सोच सकता था इस बारे में। तुम गलत कर रहे हो, तुम अपना घर नहीं बना रहे हो बल्कि उसका घर बचा रहे हो। उसका घर बना हुआ है और वो बहुत खुश है अपने घर में। जो खुश होते हैं ना वो नफ्सियाती मरीज नहीं बनते। क्या मतलब? मुझे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने दवाइयां लेना छोड़ दी। ये तो और भी बुरा हुआ, बजाय इसके कि तुम उसे अकल का रास्ता दिखाओ तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम गलत कर रहे हो बाजिल। बाजिल बेटा, बैंक का टाइम निकला जा रहा है और पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो उठो, पहुंचो, तुम ये काम आज ही होना चाहिए। लाएं भाई एक कप चाय, मुझे भी पिलाएं। आप अपने दोनों बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं कोमल की हिमायत करके। शहनाज बेगम, जब मैंने कहा था कि कोमल को घर ले आते हैं, उसे उसकी डिसफंक्शनल शादी से आजाद करवा देते हैं, तो वो तुम्हें मंजूर नहीं था। वो शादी सिर्फ उसके जहन में जिंदा है। कोमल की नंद को ब्याह कर लाने का मतलब समझते हैं आप? उसके बाबंद होकर रहना पड़ेगा हमें, बल्कि कैद होकर रहना पड़ेगा। ना वो आई, ना तुमने उसे आने दिया। इसीलिए मुझे कहा था तुमने कि कोमल को जाने दो। बेटियां अगर मां बाप के घर आना चाहें तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, भटक जाती हैं। अब उस दिन का इंतजार करो जब हम बैठे हाथ मल रहे। ऐसे तो ना कहें आप। मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है शहनाज? मेरा तजर्बा कहता है कि इस सब के जिम्मेदार हम भी हैं और अब हम बेबस कुछ नहीं कर सकते।